आपका जो क्वेश्चन है ये देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ XML डॉक्यूमेंट, मतलब ये XML डॉक्यूमेंट बनाना है लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटाबेस रहेगा. ओके, एंड अप्लाई द स्टाइल शीट इफेक्ट एंड डिस्प्ले इट ऑन द वेब पेज. इसके लिए XSLT यूज़ करना पड़ता है. ओके, XSLT एक्चुअली क्या है बता देता हूँ. इसको कहते हैं एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, और ऑल्सो XSLT स्टैंड्स फॉर XSL ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब XSL का मतलब होता है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, और XSLT का मतलब होता है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहला कोड ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दूसरा है नहीं. सो मैंने एक बनाया था लेकिन जाने दो, हम लोग बनाते हैं एक XML file. Okay, let's add new item. Let's create an XML file. Okay, यहाँ पे XSLT file है, उसको भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं. तो ये मेरा students है. Okay, so यहाँ पे students नाम का एक tag है जिसके अंदर students है, student है. Okay, उसके अंदर roll number लेते हैं. ओके, और उसके अंदर स्टूडेंट का नेम लेते हैं. दैट्स इट, दो चीज़ काफ़ी है अपने लिए. हम लोग को थोड़ी कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है, तो हमारे पास इतना ही बड़ा सा डेटाबेस है. तो यहाँ पे रोल नंबर 1 है, यहाँ पे नाम है सैम, यहाँ पे रोल नंबर 2 है, यहाँ पे नाम है कैम, और यहाँ पे रोल नंबर 3 है, यहाँ पे नाम है टैम. ओके, नाम भी अच्छी तरह से याद रह जाएंगे तुमको. सो लेट्स एड अ न्यू आइटम दैट इज XSLT. यहाँ पे XML का XSLT दिखाई देगा, वहाँ का एक्सटेंशन आप XSL कर दो. इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, बोलता है कि ये स्टाइल है. ओके, तो प्री डिफाइंड इनके कुछ चीज़ें लिख कर आ जाएंगी, इसकी ज़रूरत हम लोग को है. ओके, तो पहला XML स्टाइल शीट है, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते. और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स है वो किसको मैच करने वाला है ये भी बताने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो आता है, मैंने इसके लिए इसको यूज़ किया ताकि हम लोग को इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते. तो यहाँ पे है ना, ये चीज़ें हैं XML XSL, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आप लोग के ऊपर, लेकिन मैं तो इसे नहीं रखता. ओके, तो एक स्टाइल शीट बता दो, वर्जन बता दो, दैट्स इट. आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, आई नीड अ टेम्पलेट. ओके, देन कॉपी वॉपी निकाल दो, स्टाइल शीट रेडी है. सो अभी ये स्टाइल शीट को बता दिया कि यार ये स्टाइल शीट अप्लाई होने वाला है. XML हो गया. नाउ मैच द रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट्स इट. ओके, सो दिस इज इट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ लेट अस डू वन मोर थिंग हियर. अभी हम लोग को HTML कैसा दिखना चाहिए ये भी तो सोचना है ना. मतलब आई हैव टू सी हाउ दिस HTML इज़ गोइंग टू लुक लाइक. ओके, सो HTML कैसा दिखेगा, तो ऑल्सो बॉडी टैग हेड भी रहता है ना अपने इसको. ओके, लेट्स यूज अ हेड टैग. ओके, no pickup time, let's say yeah 26th को कर दे. that's it, leave it. head, बाद में क्या आता है, body. okay, so body के अंदर मैं बोलता हूँ कि अभी मुझे कुछ काम करना है. okay, that is important work, जिसके अंदर मैं after matching all these things I am going to रीड अ डेटा वन बाय वन. तो हम लोग बोलेगा XSL का फॉर ईच लूप चला, देखो इंटेलिसेंस आ गया, मस्त है ना. ओके, तो यहाँ पे बोलता है फॉर ईच लूप, और फॉर ईच लूप के अंदर बोलता हूँ कि सिलेक्ट कर, क्या नाम है यार, स्टूडेंट्स नाम का एक टैग है जो मेन टैग है, रूट टैग है, उसके अंदर स्टूडेंट है. ओके, इसके अंदर से स्टूडेंट उठा और एक एक प्रिंट करके बता मेरे को. अभी कैसे प्रिंट करके बताना है, तो बोलता है कि एक सिंपल सा काम कर, एक H1 टैग ले ले, उसके अंदर उसका नाम बता. ठीक है, सो मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, तो XSL I can say I want to select something, so that is called as value of. I want to select the value of which element, so that element is s name, right? क्या है यहाँ पे देख लो, s name है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर से हर एक स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर का s name दिखाने वाला है, that's it। ये h1 के अंदर डाल दिया, और उसके बाद में ना हम लोग लेते हैं पैराग्राफ टैग, ओके। और सेम इधर मैं बोलता हूँ कि मेरे को रोल नंबर बता। अभी यार ये जो डिज़ाइन है सबसे घटिया डिज़ाइन रहेगा, ओके। सो आप अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पे मैं HR डाल देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रूल, ओके। तो एवरी रिकॉर्ड विल बी सेपरेटेड विथ हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ पे आपके हर स्टूडेंट के हिसाब से इटरेट हो जाएगा ये फॉर ईच लूप, हर स्टूडेंट को उठाएगा और हर स्टूडेंट का मुझे नाम दिखाएगा, ओके। सो मैंने XSLT फॉर्मेट लेकर क्या काम किया, थोड़ा सा चोरी किया, ओके। क्या चोरी किया, उधर का सिंटैक्स था तो उसके अंदर चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए मैंने उसको लिया था, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अब हमें स्टाइल शीट का ज़रूरत है और मुझे इसे स्टाइल शीट अप्लाई करवाना पड़ेगा। सो अभी मुझे उसे स्टाइल शीट बताना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये मेरा XML का स्टाइल शीट है, okay, then type of it is text/xsl, then href कहाँ पे पड़ी है वो स्टाइल शीट की फाइल, तो स्टाइल करंट डॉक्यूमेंट style.xml में है वो सब कुछ। सो आई थिंक सो इधर तक काम अपना सही हो जाना चाहिए, ओके, कोई प्रॉब्लम? यस, डिक्लेरेशन का क्वेश्चन मार्क नहीं दिया मैंने, ओके। अभी क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो गया, that's it, XML style sheet not a problem, बरोबर है। Let's right click or I can say go to the solution explorer, इसको right click करो, view in Chrome browser, okay। warning line 2 column 17 invalid name prefix XML, okay। data दिखाई दे रहा है लेकिन invalid prefix called as XML। अभी क्या कहाँ पे problem आ गया, हाँ यहाँ पे है, XSL दिया था ना नाम, अरे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, ओ ओ ओ हाइफन है, इसमें हाइफन आता है, क्या हुआ इसको? डिस्प्ले तो हो रहा है, डेटा इज बीन डिस्प्लेड, कुछ तो गड़बड़ है, टेम्पलेट मैच हो गया, उस टेम्पलेट में से फॉर ईच लूप उठा, स्टूडेंट्स के अंदर से स्टूडेंट उठा, सो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग कलेक्ट, लेट्स डू इट आफ्टर हेड, okay, let's refresh it। अभी तो चला ही गया। When the style sheet, ये सब कुछ हेड के ऊपर ही रहता है, इसका कुछ मतलब नहीं है इतना, whole thing is, oh my goodness, यार हेड कभी आता है रे, एक बहुत बड़ा चीज़ हम लोग ने मिस आउट कर दिया, हेड कब आता है, मतलब HTML का स्ट्रक्चर लिखते हो तो हेड कब आना चाहिए? बोलो, ये बॉडी है, ओके, और हेड भी आता है, बराबर। तो मुझे बताओ यार कि हेड कब आता है और हेड के अंदर बॉडी कैसा आता है? ये गलत लिख रहे हैं ना अपन। ये हेड आता है, ये बॉडी आता है, और इन दोनों के ऊपर एक चीज़ आता है, वो है HTML। तो XML के नाद में लगकर मैं XML को भी, मतलब HTML को भी ऐसे लिखने लग गया। Okay, so let's see now. This is it. Okay, so HTML अपने जगह पे है। HTML को ही हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब XML को ही ट्रांसफॉर्म करना है HTML के अंदर। तो HTML का कुछ पंगा मत करना है, HTML ऐसा ही लिखना। Okay, so you will able to see all these things. तो ये तुम्हारा XSL फाइल है और ये आपका XML फाइल है। अगर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं इसके अंदर 4 एंड इसको बोलता है PAM। ओके, एंड लेट्स सी एंड लेट्स रिफ्रेश इट। सो यू विल एबल टू सी दिस थिंग्स। इवन इफ यू वांटेड टू बी डिस्प्लेड इन अ टेबल टैग, नॉट एन इशू। ओके, आप लोगों को क्या करना है, बॉडी के बाद में एक टेबल टैग ओपन करना है। ओके, एंड ये टेबल टैग फॉर ईच लूप के बाद में ख़त्म करना है। ओके, अभी हर एक रो क्रिएट होता है, TR रहता है, बाद में TD रहता है। तो एवरी डेटा विल बी शोड इन TD। तो एक TR आएगा पहला। ओके, ये TR लास्ट में ख़त्म होने वाला है, HR विचार को छोड़, मार्गोली। ओके, देन इसके अंदर का जो डेटा है, हर एक डेटा वो TD में दिखाई देगा। ओके, तो ये TD में गया, ये भी TD के अंदर है। ओके, सो नाउ आई शुड एबल टू सी इट इन अ टेबल फॉर्मेट इफ आई गिव अ बॉर्डर टू इट। आई ला क्या हुआ इसको, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू डबल क्यूट्स के अंदर है यार। यहाँ पे XML फॉर्मेट है ना, तो XML के अंदर है ना, HTML को स्ट्रिक्ट यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट मतलब क्या, हम लोग HTML में बॉर्डर ऐसा देकर छोड़ सकते हैं, लेकिन XSL में और XML के अंदर आप लोग अगर HTML लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको डबल कोट्स या फिर आपको कोई भी एट्रीब्यूट है उसको वैल्यू देना ज़रूरी है। यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, तो देन ओनली इट विल गोइंग टू वर्क। ओके, सो दिस इज़ इट। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा आपको भी कष्ट लेना पड़ेगा। दैट्स इट।